जो ये बेमी तो ये पकी है, तो मैं आपको खा कर दिखा देता हूँ। देखा फ्रेंड्स कैसे रस निकल रहा था इससे। तो फ्रेंड्स बहुत कड़वी है। अभी वो गुंथर को कर दिया, गुंथर जो पहुंच गया कुल्लू। तो नहीं तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा एयरपोर्ट होना था। ओहो, बड़ा प्यार आ गया इसको। ये देखिए बाकी दूसरी गाय है। आई अम्मा, ये तो टांग मार रही है। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे आज के इस न्यू व्लॉग में। तो कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज तो मैं जा रहा हूँ अपने कंडे यानी गांव में, अपने खेत में जो बहुत ऊंचाइयों पे है। तो मैं वहाँ को कहते हैं कंडे, वहाँ पे हमने अनाज बीज रखा है। तो मेरे साथ जा रहे हैं मेरे बड़े दी। तो आज का ये व्लॉग भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाकी जब हम कंडे जा रहे हैं तो वहाँ कोई सड़क नहीं है, अभी सड़क फ़िलहाल शुरू ही हो रही है जो आपको मैं अभी दिखाऊंगा। बाकी ये कच्चा रास्ता है, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ। ये देख लीजिए, तो ये कंडे के लिए जाता है। तो कंडे यानी ऊपर चोटी में जाना है, मतलब ज़्यादा दूर है नहीं, फिर भी नॉर्मल आधा एक घंटे का रास्ता है। तो हम चल के जाएंगे। तो आप सभी को आपको मैं दिखाऊंगा आज का मेरे कंडे का खेत। तो चलिए चलते हैं कंडे। ये पीछे पूरी सीढ़ियाँ हैं ऊपर के लिए, तो थोड़ी टांग में दर्द हो गई है नीचे से चल के। सीढ़ियाँ बहुत सारी है, थकावट ज़्यादा हो रही है। बाकी ये देख सकते हो पूरी सूरजमुखी के फूल ऐसे लगे हैं, ये देख लीजिए। तो अभी तो बहुत दूर जाना है, बाकी थोड़ा मौसम बरसात वाला है, कोहरा छा रखा है। देख सकते हो आप मेरे बैक साइड का व्यू कुछ ऐसा है। तो मैं आप सभी को बता दूं, अभी हम पहुंचे हैं हुरी। इस जगह का नाम है हुरी। बाकी यहाँ पे देखिए बैठने के लिए स्पेशल सीमेंटेड सीट बनाई गई है। अगर जब मेला होता है यहाँ पे हमारा फ्लैच का, फूलों का मेला, तब यहाँ पे बैठा जाता है, लोग बैठते हैं। बाकी जो मेन है अंदर हुरी, जिसका नाम है जगह का, जहाँ देवता जी का स्थान है, जहाँ फ्लैच का मेला लगता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं पहुँच गया हूँ, यहाँ देख सकते हो बाकी सीढ़ी है पूरी नीचे तक, ये देख लीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देख सकते हो आप, मैं पहुँच गया हूँ हुरी सानथंग। हुरी यानी जगह का नाम, सानथंग बोले तो देवता जी का मेले का स्थान है। यहाँ पे जब मेला होता है फ्लैच का, फूलों का, तो देवता जी को यहाँ लाया जाता है, बहुत बड़ा मेला होता है। बाकी ऊपर इस जगह सभी लोगों के लिए बैठने के लिए स्पेशली बनाया गया है। और निचली साइड का ये है, रेलिंग लगी है पूरी। ये पूरा बड़ा सा ग्राउंड टाइप में है, गोल टाइप। तो इसमें पूरा ये ट्रेडिशनल डांस किया जाता है जब मेला होता है। बाकी जो ये बीच में देवता जी का के लिए स्पेशल स्थान बनाया गया है, यहाँ पे देवता जी को बिठाया जाता है, पीरी नाग जी, वेरिंग नाग जी और नागिन जी को। तो ये यहाँ पे फूलों का मेला लगता है फ्रेंड्स, जो सेप्टेम्बर 3 से शुरू होकर 5-6 तक चलता है, 4-5 दिन का होता है हमारा। तो फिलहाल ये तो है, अब हम चलते हैं यहाँ से ऊपर सीढ़ियों से, अभी हमने जाना है कंडे। तो चलिए और आगे चलते हैं। हमारे सब्सक्राइबर यानी बड़े जी को थोड़ी प्यास लगी है, तो यहाँ पे पानी भी है अवेलेबल। बाकी थोड़ा सा अगर मैं ऊपर से दिखाऊँ तो हमारा ये हुरी सानथंग थोड़ा कोहरे की वजह से सही नहीं दिख रहा हुआ, साफ नहीं आ रहा हुआ। बट ये हमारा ये है देखिए मैदान छोटा सा, जहाँ पे फूलों का मेला लगता है। तो यहाँ पे सभी लोग और देवता जी आते हैं। बाकी इस पैन के लिए बहुत साल पहले जोड़ी गई थी इस पैन, यहाँ से बहुत ऊंची चोटी के लिए, कंडे के लिए, पावंग के लिए। तो वहाँ से कुछ टाइम सामान यहाँ से इस पैन के थ्रू आता था। ये देख सकते हो तार लगी है, तो बट अब ये थोड़ी ख़राब हो गई है, तो इसका यूज़ नहीं है। थोड़ा सा पानी हम भी पी लेते हैं। ओ पानी में थोड़ी टुंटी नहीं लगी है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है फ्रेंड्स, टुंटी लगाने का थोड़ा फ़ायदा है नहीं, या तो फिर बर्फ़ में टूट जाती है वो ठंड से, इसीलिए टुंटी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और बात करें पानी के टेस्ट की, तो फ्रेंड्स जो पहाड़ का पानी होता है उसका एक अलग ही टेस्ट होता है।
जो बताया नहीं जा सकता। थोड़ा और ऊपर की ओर चल रहे हैं हम, थोड़े मेरे सब्सक्राइबर यानी बड़े ही थोड़े ऊपर ही चले गए हैं, थोड़ा मैं पानी पीने के चक्कर में पीछे रह गया हूँ। लीजिए थोड़ी सी और, ये देखिए थक गए। सभी ने देखा, ये तो पीछे हमारे आंटी गांव के, बहुत अच्छे हैं ये, इनसे बहुत अच्छी बातें की हमने, बहुत अच्छे लगते हैं हमें तो ये। बाकी ये जब थकते हैं लोग तो यहाँ के, यहाँ पे बैठने के लिए स्थान बनाया गया, देखो थोड़ा ऊंचा जैसा। तो अगर इस जगह की बात करूँ फ्रेंड्स, ये है दिमती के लिए जो रास्ता जा रहा है, सीढ़ियाँ देखो यहाँ पे, पहाड़ ये देखो लकड़ी से बनाई गई है। यहाँ का नाम है जो यहाँ से अंदर जाएगा रास्ता दिमती। तो हमें और ऊपर जाना है, यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों के खेत है, इसको बोलते हैं नॉर्मल फेंसिंग, लोकल फेंसिंग है, जिसमें खाली तार और डंडों लकड़ियों का प्रयोग किया गया है। अगर आपने अभी तक कोई भी मेरे व्यूवर जो मुझे देख रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग मोड आने वाला है। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाइए। बहुत थकावट हो रही है। ज़्यादातर जो पेड़ होते बैमी के होते, गंडे में बैमी जिसका तेल निकाला जाता है, जो तेल बहुत लाभदायक है खाने के लिए, जोड़ों के लिए, खासकर बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अगर तेल की मालिश करें बैमी का तेल। बाकी फ्रूट्स है वो ड्राई फ्रूट्स खाने में बहुत टेस्टी। ठीक है फ्रेंड्स, आजकल थोड़ा पके नहीं है वो, जो तेल होता है बहुत महंगा मिलता है, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा है उसमें। ये देख लीजिए ये पूरी कवरिंग की गई है। बाकी यहाँ पे लोगों का खेत है, देख सकते हो यहाँ पे फाफड़ा भी जाए, फाफड़ा मेरे खेत में भी जाए ऊपर। फ्रेंड्स हम अभी पहुँच गए हैं गोटांग चुदेन, तो इस जगह का नाम है गोटांग चुदेन। यहाँ पे जो भी कंडे जाता है या फिर कंडे से आता है, चाहे सुबह हो शाम, तो सब यहाँ पे थोड़ी देर विश्राम बोले तो रेस्ट करता है थोड़ी देर, 5 या 10 मिनट, तब जाके घर या फिर कंडे के लिए जाता है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर बैठ कर ही जाते हैं अपनी थकान मिटा के, क्योंकि जब नीचे से आते हैं तो बहुत थकान होती है। आपने देख रहे हो मुझे भी थोड़ी सी थकान हो गई है, तो बाकी यहाँ बैठने के लिए भी बनाया गया है। जब घास वगैरह कुछ भी लेके आते सामान ऊपर थक जाते वो बैठ जाते, तब उसके बाद वो फिर घर की ओर चलते हैं या फिर कंडे की ओर। तो यहाँ पे अगर हमारा फूलों का मेला होता है तब भी लोग आके बैठते हैं, तभी जाके ऊपर चलते हैं। फूलों का मेला भी हमारा कंडे में ही लगता है ऊपर पहाड़ पे, जो पीछे आगे थोड़ा सा और ऊपर है वो भी, वहाँ पे बहुत प्लेन जगह है जहाँ का नाम है गुंथर। लेकिन अगर वहाँ की भी एक बात बता दूँ तो बताया जाता है कि जो गुंथर है, पहले वहाँ पे एयरपोर्ट बनना था, गुंथर को कर दिया बुंथर जो पहुँच गया कुल्लू, तो नहीं तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा एयरपोर्ट होना था, क्योंकि ये बताया जाता है, सुना है बड़ों से। तो ये है, बाकी हम और आगे चलते हैं ऊपर की ओर। अभी और थोड़ा कम से कम 20 मिनट लग जाएगा हमें चलते हुए। तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आके यहाँ पे दो रास्ते मिलते हैं, एक रास्ता नीचे से और एक रास्ता ऊपर को, एक तीसरा भी है शॉर्टकट है ऊपर के लिए ना। तो उसके बाद हम चलते हैं नीचे से, क्योंकि मेरा जो खेत है आगे है, इससे 20 मिनट लग जाएगा हमें। तो जो ऊपर वाला रास्ता है वो बहुत ऊपर जाता है, जहाँ मैंने कहा था बुंथर, और बहुत सी जगह है जहाँ वो जाके मिलता है, बहुत सारे लोगों के वहाँ खेत है। तो हम ये वाले रास्ते से जाएंगे नीचे वाले, जो हमें हमारे खेत पहुँचाएगा। जो मेरे बैक साइड ऊपर ऊंचाई को दिख रहा है, वहाँ का नाम है यहाँ से ऊपर बड़ा पानू। बड़ा पानू इसीलिए है क्योंकि बहुत यहाँ पे ऊंचाई है, तो रास्ता थोड़ा छोटा है। अगर ये मान लो अगर हम गिर जाते हैं तो फोल्ड होकर फिर सीधा नीचे ही उतरेंगे, इसीलिए बड़ा पानू तो नाम है जगह का। तो थोड़ी ऊंचा वो है, ढलान है, थोड़ी ढलान है। बाकी ये देख सकते हो जहाँ हम जा रहे हैं, यहाँ लोगों ने, गाँव के लोगों ने अपने खेतों में फाफड़ा ओलगा बीज रखा है। एक स्पेशल बात बता दूँ तो आपको मैं, कंडे की खास बात यह है कि हमारे कंडे में भी बिजली पहुंच गई है पहाड़ पे, ऊँची चोटी में। बाकी यहाँ देख सकते हो ये ट्रांसफार्मर,
यहाँ से जो लाइट पहुँचती है सीधा कंडे बहुत ऊँचाइयों तक, तो जितने भी कंडे में लोग रहते हैं सबके जो घर हैं, जो खेतों में मकान हैं छोटे छोटे, उनके घरों में सबके घरों में लाइट है, तो बहुत अच्छी बात है। ये देख सकते हो पीछे ट्रांसफार्म, तो कंडे में भी लाइट पहुंच चुकी है बहुत, अभी तो साल दो साल हो रहे आई थिंक तो। बट थोड़ी सी जब सर्दी में बर्फ़ पड़ती है तो आज तक वैसे मैंने सुना नहीं, बट तारे टूट जाती है बर्फ़ की ज़्यादा लोड की वजह से, यहाँ तक सोच भी नहीं सकते कि इतने ऊंचाइयों पे लाइट जाएगी, पोल पहुँचेंगे तार बिछेगी, तो विदाउट रोड, क्योंकि अगर सड़क होती तो पहुँच जाते, लाइट भी पहुँच जाती, लेकिन ये जो लाइट पहुँची है विदाउट सड़क पहुँची है, पहले अब पहुँचेगी सड़क, तो उसमें भी बहुत, उसके बाद लोग सभी अपने खेतों में खेती करना शुरू कर देंगे जिन्होंने छोड़ रखी है। थोड़ा बहुत कोहरा यानी धुंध ख़त्म हो रही है, बहुत शानदार नज़ारा है, क्योंकि धुंध सारी ऊपर को जा रही है, अगर आपको सही दिख रहा हुआ तो आप देख सकते हो सारी धुंध ऊपर की ओर आ रही है नीचे से, थोड़ी देर में मुझे लगता है सारा क्लीन हो जाएगा माहौल और अच्छा व्यू देखने को मिलेगा आप सभी को। ये थोड़ा सा ये देख सकते हो बिल्कुल थोड़ा इसी के साथ नज़दीक में मेरा खेत है जहाँ अभी मैं पहुँचने वाला हूँ। यहाँ देख सकते हो पूरी इतनी तीन तीन चार चार फीट की ये पूरी दीवार बना रखी है बाहर से बाउंड्री में, ताकि कोई गाय या फिर जानवर जंगली ऐसी आसानी से अंदर ना जा सके। ये देख सकते हो पूरे फूल ही फूल, ये फाफड़ा, बाकी थोड़ा सा आगे दिखा दूँ तो व्यू देख सकते हो आप, वहाँ देख लीजिए बीच में झंडा भी लगा है जो लहरा रहा है, खेतों में लगा रखा है। बाकी ये जंगल है नीचे देख लीजिए पूरा, जो यहाँ से फिर एक छोटी सी ये नाला है नीचे जहाँ से झरना मान लो जो पहाड़ों से बर्फ़ पिघल के यहाँ पे पानी आता है, ये पूरा नीचे का थोड़ा सा व्यू। बाकी आगे देख सकते हो नीचे से धुंध भी आ रही है, देख सकते हो कितने हरा भरा है, पूरा हरा ही हरा, हरियाली ही हरियाली है, और पूरे ये नीचे वाला पूरा जंगल है ये देख सकते हो जो ये है, और ऊपर से पूरे लोगों के खेत हैं जिन्होंने यहाँ पे सेब के भी पौधे लगा रखे हैं, किसी लोगों ने, कई लोगों ने यहाँ पे फाफड़ा ओलगा यानी कि जो ट्रेडिशनल फूड है हमारा वो बीज रखा है। बाकी ये तो पूरा नीचे ही हमारा, ये नीचे नाला है पूरा झरना जो पहाड़ों से पानी आता है बर्फ़ पिघल के यहीं से होते हुए आता है, जिसका पानी हम खुद पीते हैं बहुत। तो आपको मैं थोड़ा पीछे का व्यू दिखा दूँ, अगर आपको पीछे का व्यू थोड़ा नज़र आ रहा होगा तो फ्रेंड्स फाइनली हम खेत पहुंच चुके हैं अपने, थोड़ा सा यहीं से नज़दीक से खेत से दिख रहा होगा आप सभी को, ये है मेरा खेत, मैं फिर से शुरू कर दिया और नया खेत बनाया है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा खेत नया बना है, ऊपर देख लीजिए यहाँ पे अलग अलग सीढ़ी नुमा खेत बने हैं, क्योंकि पहाड़ है, पहाड़ों में सीढ़ी नुमा खेत बनते हैं फ्रेंड। तो हम अब चलते अपने खेत में, क्योंकि हमारा खेत है ऊपर तक, आपको देख रहे होगे हमारी दीवार है बाउंड्री देख सकते हो। बाकी यहाँ पे अगर बात करूँ रास्ते की तो यहाँ पे कोई अच्छा रास्ता नहीं होता। बाकी ये देख सकते हो ये जो लगी है यहाँ सीढ़ियाँ लगी है पत्थर की, दीवार में लगी होती है जहाँ से ऊपर से हमें चढ़ के जाना है, तो यहाँ देख सकते हो हमारे सबसे ज़्यादा सीधा सीढ़ी से ऊपर चढ़ेंगे अभी। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स ये पूरा मेरा ऊपरली साइड को खेत, ये है सीढ़ी, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स पहाड़ी सीढ़ी। ये देख सकते हो ये रख ली मैंने टांग, दूसरी तीसरी टांग ये रख ली, तो चलिए ऊपर और थोड़ा। तो ये देख सकते हो बाहरी बाउंड्री है ये खेत की, पूरी बाउंड्री ऊपर तक। अगर खेत की बात करें तो फ्रेंड्स ये पूरा फाफड़ा, ये देख लीजिए फ्रेंड्स ये है पूरा फाफड़ा ट्रेडिशनल फूड, ये देख लीजिए अभी हरा ही है, जब पकेगा तो इसमें दाने आ जाएंगे, तो ये कम से कम लगभग दो ढाई फीट का बन चुका है अभी और लंबा होगा। बाकी ऊपर तक मेरा खेत है और आगे तक भी है, तो अब हम और आगे चलेंगे। चलिए तो अनाज की वजह से हम थोड़ा बार बार से चलेंगे, क्योंकि नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा, तो ये सारा गिर जाएगा तो ये उठ नहीं पाएगा, तो ये ख़राब हो जाएगा, इसीलिए हम ख़राब नहीं करेंगे अपने अनाज को, और इसका यहीं से
आगे की ओर चलेंगे। बाकी ये देख सकते हो फाफड़ा, ये ट्रेडिशनल फूड जो हमने बीज रखा है, ये जो हमने अपने खेत में बीज रखा है ये है फाफड़ा। फाफड़ा यानी ट्रेडिशनल फूड पहाड़ का, खासकर किन्नौर में जो ज़्यादातर पाया जाएगा। अभी ये थोड़ा अभी पकानी है, नहीं तो इसमें दाने आ जाते, वो मैं दिखा देता, बट थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। तो ये फाफड़ा, अगर इसकी खासियत बता दूँ फ्रेंड्स, तो ये इसकी खासियत है, खासकर दवाइयों में उपयोग किया जाता है इसको। जैसे अगर बीपी शुगर, तो बड़े लोगों का मानना है कि बताया जाता है कि बीपी और शुगर की दवाई है ये, तो अच्छी बात है अगर दवाई है तो सभी यूज़ करते हैं, खाते हैं इसको। इसका खासकर चिल्टा बनाया जाता है, तो इतने सारे दाने निकलेंगे इससे, पूरा काटना पड़ेगा। फिर जो मम्मी इसको काटेंगे, फिर झाड़ेंगे, तब जाके फाफड़ा फिर सुखाएंगे, तब बनेगा फाफड़ा, फिर हम खाएंगे चिल्टे। ठीक है फ्रेंड्स, चिल्टे। आराम से चलो, आराम से। तो फ्रेंड्स, यह है पूरा मेरा खेत, ये देख लीजिए, अभी बहुत ऊपर तक है, ये देख सकते हो आप, लास्ट दीवार ऊपर दिख रही है, तो यहाँ ऊपर तक जाना है, क्योंकि देख लेते हैं क्या क्या है। और यहाँ तो हमारे सब्सक्राइबर थक के बैठ सके हैं, बड़े भी कहाँ है साग। हाँ, बैमी की, तो ये मेरे पीछे जो बड़ा पेड़ है ये भी बैमी का है, और ये वाला भी बैमी का है। ऊपर कम से कम 7-8 पेड़ पूरे बैमी के हैं। बैमी बोले तो मैं आपको पेड़ में दिखा देता हूँ। ये फ्रेंड्स, ये है बैमी, ये जो है मेरे खेत में है बैमी, ये है पूरी कच्ची, फिर भी मैं खा के देखता हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत कड़वी है अभी क्योंकि कच्ची है, थोड़ा सा एक बाइट खा लिया था मैंने, आप देख रहे हो, देख सकते हो अभी पूरे पेड़ में लगी है ये बैमी, आप देख सकते हो पूरा ये दाने लगे हैं। तो एक थोड़ी सी पक्की भी मिली थी मुझे नीचे, क्योंकि ये पक्की गिरती है, कच्ची तो गिरेगी नहीं नीचे। ये देख सकते हो ये बैमी, तो ये पक्की है, तो मैं आपको खा कर दिखा देता हूँ। देखा फ्रेंड्स कैसे रस निकल रहा था इससे, पूरी पक चुकी है और मीठी है बहुत, है ना। तो मैं तो पूरा छिलका भी डाल देता हूँ, खा लेता हूँ छिलके के साथ, क्योंकि हर पहाड़ की हर फ्रूट्स या फल सब्जी सब में टेस्ट अलग है, सब कुछ उसमें बात ही अलग है जो शहर में नहीं मिलती है। तो मैंने पूरी खा ली है अंदर बैमी, अलग इसको कैसे खा सकते हैं, सूखा देते हैं इसको, जैसे घर ले जाके सूख जाएगी, तो उसके बाद तो इसका अल्टीमेट टेस्ट होगा अलग ही। तो जो खाने के बाद ये फैन से गुठली है, तो ये आप सोच रहे हो खाने के बाद इसको फेंक दे, कड़वी होती है, बट इसका जो यूज़ है ना, आप अगर जानोगे तो यकीन नहीं करोगे। अगर इसको तोड़ के सुखाने के बाद इसको धो लेते, एक बार धोने के बाद सुखा लेंगे, तब जाके इसको तोड़ने के बाद सुखा के, या तो फिर हम पीस के इसका थोप्पा बनाते हैं, छिलबट्टा होता है उसमें पीस के हम खाते थे उबाल के, क्योंकि बिना उबाले ये बहुत कड़वी होती है, और ये खासकर क्योंकि उबालने के बाद इसका कड़वापन निकल जाता है खासी। उसके बाद अगर बात करें इसको सुखा कर इसके अंदर के दाने को निकाल के, तो उसका चाहे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, अगर मैं इसे टूट जाए तो फ्रेंड्स टूट भी गई, वैसे मुझे लगता नहीं था ये टूट जाएगी। अगर देख पा रहे हो ये है गुट्टी, तो ये बहुत ही कीमती है हमारे लिए, पहाड़ के लिए। अगर मैं इसको खाता हूँ अभी, तो फ्रेंड्स थोड़ी कड़वी है, क्योंकि कड़वी है, आपको पता है जो कड़वी चीज़ होती है ना, बहुत कड़वा करेला सुना होगा, तो वो भी बहुत अच्छा होता है, बट यहाँ नहीं मिलता वो, तो वैसे ही कड़वी है गुट्टी है, बट इसके जो फ़ायदे हैं वो आप क्या बताऊँ मैं आपको। तो ये पूरी बौद्धिज्म की झंडी लगी है, तो ये खासकर स्पेशल इसीलिए लगाया जाता है ताकि नज़र ना लगे किसी की, खासकर नज़र के अलावा ऐसा है जो जंगली बंदर या फिर जंगली जानवर होते हैं, वो देख के क्या पता कभी बार डर भी जाते हैं इसको देख के, क्योंकि जब ये लहराती है तो अलग ही व्यू आता है इसका। तो मैं पहुँच गया हूँ अपने खेत के टॉप में, जहाँ पीछे मैंने आप सभी को दिखाया साग भी है, दाल भी बीज रखी है, थोड़ी अभी छोटी है, साग हमें थोड़ा सा उठा कर ले जाना है घर के लिए। तो मैं अभी देख सकते हो दीवार पे हूँ, कहीं गिर गया तो दूसरे खेत में पहुँच जाऊँगा, इसीलिए संभल के, क्योंकि ये देख सकते हो
बाकी जो ये व्यू है फ्रेंड्स, ये मेरे पूरे खेत का है निचला व्यू, जहाँ से मैं अभी चढ़कर ऊपर आया हूँ। ये देख सकते हो आप, पूरा नीचे खेत का व्यू है, आगे से परे तक ये मेरा खेत है। ये है मेरा जो नज़दीक है कंडे, वहाँ का खेत है। इससे भी ऊपर मेरे बहुत सारा खेत है मेरा, यहाँ पे फिलहाल हमने छोड़ रखा है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता है जंगली जानवर या फिर बंदर वगैरह वो अनाज रखते नहीं हैं, और बीजने का फिर कोई फ़ायदा भी नहीं है, इसीलिए हम थोड़ा बीजते भी नहीं, क्योंकि लोगों ने काफ़ी लोगों ने छोड़ रखा है, तो हमने भी छोड़ रखा ही है वो। अगर बाद में अगर बाय द वे कहीं सड़क पहुँचती है लोग बीजते हैं, क्योंकि उसका थोड़ी फैसिलिटी हो जाती है, तो फिर हम भी बीजेंगे, हम भी करेंगे वो खेत। बहुत सारा फाफड़ा बीजेंगे, ओलगा बीजेंगे, सब कुछ बीजेंगे, पौधे लगाएंगे सेब के। यहाँ दो खेत में, ये देखो निचले खेत में भी साग बीज रखा है, यहाँ देख सकते हो आप, साग है विद दाल, उसके साथ दाल के साथ साग बीज रखा है, तो हमने साग उठाना है। ये मेरी पूरी लास्ट खेत की बाउंड्री, इससे ऊपर किसी और का खेत है, गाँव के लोगों का। यह पूरा सीढ़ी नुमा खेत, पहाड़ी खेत, पहाड़ यानी कि जो ढलान होती है उसके खोद खोद कर दीवार बनाई जाती है, तब जाके वो खेत बनता है, तब जाके खेत किया जाता है। उसका जो अनाज उगता है, तो वो पूछो मत, आपको मैंने दिखाई दिया पूरा अनाज कैसा था। तो हमने साग ले जाना है, यहाँ पे जो बीज रखा है ये उठा लेता हूँ, तो इसको मैं फिलहाल यहाँ पे रख लेता हूँ थैले के ऊपर, यहाँ देख सकते हो, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ, उठा लेता हूँ। तो फिलहाल मैंने सबसे ऊपर वाले खेत से इतना उठा लिया है, आप देख सकते हो, ये कम से कम एक टाइम की पूरी सब्जी है। तो थोड़ा सा कोहरा यानी धुंध खत्म होने के बाद का ये व्यू है पूरा, आगे पहाड़ों का, पूरा ये पहाड़ ऊपर तक ये पूरा धुंध से ढका हुआ, कोहरा छाया हुआ है, बाकी अभी साफ होने ही जा रहा है पूरा। ये देख सकते हो, ये है पूरा ऊपर का व्यू, आप देख सकते हो, ये है पूरा, ये है पूरे कंडे का व्यू, जहाँ पर हमारे बहुत सारे खेत हैं सभी लोगों के, गांव के। ये देख लीजिए, बाकी मौसम साफ हो रहा है, ये देख लीजिए, ओहो बड़ा प्यार आ गया इसको, ये देखिए। बाकी दूसरी गाय है, आई अम्मा ये तो टांग मार रही है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मैं अखरोट का पेड़ दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, ये है अखरोट जो लगाया भी है, देख लीजिए आप, ये है अखरोट का पेड़। फ्रेंड्स, ये है कोहरे के बाद का व्यू, आप देख सकते हो, ये पूरे, ये है पवंग ऊपर बहुत ऊंची चोटी ऊपर, बाकी ये ऊपर कंडे का नज़ारा, ये देख लीजिए, अब तो पूरी धूप भी लग गई है, ये देख लीजिए, धूप लगने के बाद का ये व्यू है कंडे का, बड़ा ही शानदार। फ्रेंड्स, कोहरा थोड़ा कम हो गया है, बाकी आप देख सकते हो उसके बाद का जो व्यू है ना, आप देख लीजिए किस प्रकार का है, आगे लोगों का खेत है, यहाँ पे घर है लोगों के, बाकी ये पूरा जंगल ऊपर तक, बाकी ये देख सकते हो, ये है पूरा कंडा सबका, ये है हमारा गांव वासियों का पूरा कंडा, बाकी ये देख लीजिए किस तरह का व्यू है, ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये है पूरा व्यू। तो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं घर वापस, तो हम पहुंच गए हैं गांव में, तो धीरे धीरे आगे ऊपर से हम खेत से, बाकी आप देख सकते हो धूप पूरी निकली हुई है और धूप पड़ रही है, बाकी तो हम पहुंच गए हैं सड़क पे, कंडे वाली सड़क जो है, तो उसके बाद जो मेरे बैक साइड का व्यू आपको थोड़ा अच्छा दिख रहा होगा, पूरा सुबह जो दिख नहीं रहा था अब वो पूरा दिख रहा है, ये देख लीजिए पूरा पहाड़, बाकी मेरे बैक साइड है सड़क जो कंडे को जा रही है हमारे,
जहाँ से हम आए हैं अभी। तो ये तो था आज का मेरा व्लॉग। बाकी अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए फ्रेंड्स। साथ ही बने रहिए मेरे चैनल पर हमेशा की तरह। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।